just make it up, cause reality will never be good enough. Hey guys, welcome back to my channel, this is Raghavan. So guys, अभी हम आए किले के नीचे जहाँ पर ये मंच है जिसका नाम है राजा गंगाधर राव जो मंच है, तो यहीं पर कला का प्रदर्शन होने वाला है, मतलब वो बनाने वाली है रंगोली, यहाँ पर बनाएंगे। काफ़ी लोग आ रहे हैं और कुछ लोग पार्क में भी आ चुके हैं। तो अभी मुझे जाना है जेल, क्योंकि वहाँ पर मैं पेंटिंग बना रहा हूँ एक बच्चों के लिए, जहाँ पर वो महिलाएँ कैद हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं वहाँ पर बना रहा हूँ पेंटिंग। तो वो पेंटिंग बन जाएगी तो मैं इस पर अपलोड ज़रूर करूँगा। और अभी यहाँ पर प्रतियोगिता का नाम है राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव है, तो अभी यहाँ पर मतलब कि रंगोली बन रही है काफ़ी अंदर दिखा दी, और धूप ज़्यादा हो रखी है तो यहाँ पर काफ़ी लोग नहीं है क्योंकि वहाँ पार्क में चले गए हैं, पार्क में आप बढ़िया बैठे हैं, ठंडा ठंडक हो रखी है। तो यहाँ पर अभी मंच लग रहा है और टेंट टेंट सारे के सारे लग रहे हैं, तो ज़्यादा धूप है जिसकी वजह से कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो अभी भी हम निकलते हैं, मतलब उधर के लिए जेल जाना है मुझे, तो अब चलते हैं जेल। यहाँ पर अब कोई कह ना पाएगा क्योंकि मैं यहाँ आया नहीं, तो यहाँ पर भी मैं आया था और उसके बाद मैं जेल भी जा रहा हूँ। ओके, तो गाइस चलते हैं फिर, काफ़ी धूप हो रखी है गाइस। तो गाइस मैं पहले आपको अंदर जाके दिखा देता हूँ कि अंदर कैसा क्या सिस्टम लगा हुआ है, तो वो मंच आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद अब मैं चल ही रहा हूँ फिर। तो गाइस देख सकते हैं अभी नरेश भैया टैक्सी से आ चुके, 500 खुले नहीं है, ले 500 रुपये ले के आ गए। कितने हो रहे थे आप तक? कितने हो रहे हैं? 30 मेरे 50 का था, 50 का ले। तो भैया 500 रुपये फटकर करवाने थे इनको, ये देखो। अरे आप पे किए थे उस? अच्छा, पे कर दे। कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, ऐसी वीडियो बनाते हैं। रंगोली कंपटीशन है, रंगोली कंपटीशन है ना यहाँ पे, अभी प्रतियोगिता चल रही है। चलो भाई चल रहा है फिर, हम जेल जा रहे हैं यार। वो अरुण पहुँच गया होता है, बोल रहे थे कि हम आ जाओ, हम चल रहे हैं यार उधर अंदर में भी लोग पार्किंग में। तो उनसे हमें मिलवा ना कहाँ पे, फोन लगाओ। ठीक है, तो हम चल रहे हैं। ओके, हाँ ठीक है। इतने सारे लोग नहीं आते। राजा गंगाधर राव कला मंच देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तो बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है, तो यहाँ पर ना कोई अभी अतिथि हैं और ना कोई आने वाला, मतलब मुंबई से यहाँ पर आने वाले हैं लोग, तो वही सिखाएंगे अभी। तो गाइस जैसा कि आपको बताया था कि जेल का काम होना, तो जेल का काम हम लोग करके आ गए, तो वहाँ का तो वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि वहाँ पर वीडियो अलाउ ही नहीं है बिल्कुल भी। तो बस यहीं पर अभी बननी है पेंटिंग, तो अभी चलते हैं फिर। अरुण भाई अपना करता है पूरा आसमानी कलर, उसके बाद फालतू भी दिखाई देंगे हाथी को, तो चलते हैं फिर उसको शुरू करते हैं। ओके, देख सकते हैं हमारे अरुण भाई इतनी दीवार पोच चुके हैं, अभी थोड़ी सी रह गई है, और बस फिर यहाँ पर एक डेमो देने के लिए हम लोग आए हैं अभी। एक इस पर हाथी बनाना है, तो हाथी ऐसा मतलब दीवार फाड़ते हुए निकलेगा। और ये हमारे गुरु हैं नितेश भाई, जालौन से रहने वाले, ये देख सकते हैं आप लोग, और हम भी जालौन के ही हैं। आप लोगों को पता है ये रात का बच्चा है, खो गया था मेले में कुंभ के, तो मैं लोग पकड़ लाए हम लोग इनको, है ना भैया, हम लोग इनको पकड़ के लाए, तो अभी इसको सिखा रहे हैं धीरे धीरे काम। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ का पूरा काम मिलेगा अगर ये डेमो सही हो गया तो, मतलब पूरा ये दिख रहा है ना आतिया ताल, आतिया ताल का पूरा काम हम लोगों को करना होगा अगर इसने डेमो अच्छा दिया हम लोगों ने तो। तो डेमो तो कभी फेल नहीं हुआ, भैया बोल रहा है कि आज तक और रिकॉर्ड में, और ना ही अब होगा, तो बस डेमो इतना कर देना है कि मतलब देखने वालों की लगना चाहिए कि हाँ क्या दिया है। वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज राघवेंद्र। तो गाइस अभी हम लोग आए थे डेमो देने के लिए, वहाँ से मतलब जेल में हम लोग काम करने के बाद फिर यहाँ आए, देख सकते हैं जेल की माहौल लगी हुई, अरे देखना दे है। तो अभी हम लोग यहीं पर आए हैं, ये देखो चल रहा है काम, अरुण भाई ने पूरा कंप्लीट कर दिया है अभी। आसमानी कलर से हो चुकी है, तो भैया आप एलिफेंट का चित्र बनाने वाले हैं, तो अरुण हो गया ना पूरा, बार बार क्यों फेर रहा है, और सफ़ेद हो जाएगा। अरुण दादा स्केचिंग शुरू कर दी है इसके ऊपर, ये देखो भाई। हमारे साथ देख सकते हैं अभी बुंदेला जी जो हैं, वो भैया ही हैं, मतलब नितेश भैया से थोड़े बड़े, और नितेश भैया छोटे हमारे अरुण भाई, अरुण से छोटे अपन। अब हम लोगों को बनाना है ग्रे कलर, जो कि अरुण पेंटर बना रहे हैं, और देख सकते हैं ग्रे कलर बन गया है, पहले वाइट फिर ब्लैक, वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक, और बन चुका है अभी ग्रे कलर जो कि हाथी में होगा। गाइस अभी हमने और अरुण ने एक फैसला लिया है, कह रहे ये जो पार्क है, ये जो जिसने भी बुक किया हो, मतलब अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटी होने वाली है, क्योंकि ऐसे ही मतलब वहाँ पे भी है उरई में, तो उरई में देख रहा भाई कितना अच्छा हो गया, माहिल तालाब ऐसे काफ़ी तालाब जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, उनमें नावाव चलने लगी हैं, तो लोग घूमने आते, ऐसे ये भी होने वाला है, इसमें भी भाई लाखों रुपये कट कर लेंगे। तो मैंने भी अरुण से कहा कि अरुण एक अपन लोग भी ले लें,
और खड़े तो अरुण कह रहा एक काम करो इसी में डूब के मरते हैं और फिर उसके बाद ना किसी का होगा ना किसी का रहेगा, आप नहीं लोग इसमें राज करेंगे, ऐसे ऐसे विचार आते हैं हमारे अरुण भाई के दिमाग में, आप सोच सकते हैं ना भाई। तो सबसे पहले हमने कहा चलो अरुण तुम ही जाओ, तो फिर हिम्मत गवाह नहीं दी इसकी, ब्राउन तो है वह देख सकते हैं ब्राउन कलर बन गया, इसमें येलो कलर थोड़ा सा मिक्स किया था और रेड कलर हल्का ग्रीन मिक्स किया था इसने, हैंडसम तो बहुत लग रहा था लेकिन है नहीं वो अलग बात है। तो अभय और आशीष को भी ये बात बता दें कि अभय आशीष बोलते थे मुझे काम नहीं दे काम नहीं दे, तो अभय और आशीष तुम लोगों से इतना कहना है कि भाई इतना काम है कि रोदोगे छोड़ के भाग जाओगे तुम लोग की, मतलब अब नहीं बन रहा हम पे, इतना काम है क्या अरुण भाई ये चार दिन नहीं टिकेंगे, चार दिन टिकेंगे और बता भाई बोले यहीं पे गिर जाएंगे, कहते क्या है भाई काम दिलाओ काम दिलाओ, अब मिला ना तो अब इतना करोगे कि भाई तुम कहोगे भाई मैं नहीं मैं तो कॉलेज जा रहा हूँ, समझे कि नहीं, तो कॉलेज जाना और कॉलेज का भी काम करना लेकिन यहाँ का भी काम, तो मतलब भाई अगर ये वर्क जो कर लिया ना तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी भाई, कसम से मजाक नहीं कर रहा भाई। सभी हम जा रहे हैं 5 रुपये के डिस्पोजल लेने के लिए, क्योंकि भाई देखो ये रहे 5 रुपये और डेमो देना है ना, तो यहाँ पर मतलब पेंडिंग करेंगे तो 5 डिस्पोजल तो आ ही जाएंगे, तो एक भैया पकड़ेंगे, एक हम और एक पकड़ेगा अरुण और एक नितेश भैया, तो सारों के हाथ में कलर होगा और सारे लोग कर रहे होंगे बढ़िया एकदम से स्टाइल में, और 4 घंटे में अभी कवर करके इसको जाना है हम लोगों को, क्योंकि भाई जल्दी कवर हो जाए जल्दी अच्छा सा काम मिलेगा ना इसलिए। तो ऐसा अभी ले रहा हूँ मैं 5 डिस्पोजल, लो 5 रुपये के देने, कितने आएंगे 5 3 आएंगे, अरे लो ये हैं 5 रुपये के 3 और 3 दिए, मैं सोच रहा था 5 रुपये के 5 ही आ जाएंगे लेकिन नहीं उन्होंने 3 ही दिए हैं, तो 3 दिए क्या हुआ ढक्कन पे बनाएंगे और क्या है, 100 रुपये भी नहीं खर्च करो मैं धीरे धीरे काम करते रहो, ये पूरा तालाब दिख रहा है ना पूरा का पूरा यार बुक हो जाएगा अगर ये डेमो सक्सेस हो गया तो। अरुण भाई मजे में कर रहे हो बेटा, reality will never be good enough, and even if it was we'd just mess it up, 'cause we already lost. तो देखते हैं अभी इतना हो गया है और हाथी अभी कंप्लीट होना है, और भाई को बताया भाई पेंटर हैं बहुत अच्छा वर्क करते हैं, इनका भी जेल में काम हुआ है काफी सारा, मैं अपना भी नहीं दिखाया था तो भैया का कहां से हम आपको दिखा देते, देख सकते हैं जहां जहां तक आपकी नजर जा रही हो उतने दूर तक हम लोगों को अभी करनी है, ये पूरा मतलब जो हमारे वहाँ उड़े में है माहिल तालाब, और यहाँ पर है जो हाथी तालाब था पहले बता रहे थे भैया, लेकिन अब तो गाइस फाइनली अभी इतना वर्क हो गया है, पूरा वर्क नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना, अरुण भाई और अपने नितेश भाई और हम लोगों ने इतना कवर कर लिया है, अभी देखा ही होगा हमने ये साइड का किया है भाई हाथी, अभी हमने टच भी नहीं किया बिल्कुल भी, क्योंकि अभी करेंगे अभी शुरुआत ही है डेमो देने के लिए आया है, क्योंकि अगर डेमो अच्छा सा रहा ना तो ये पूरा मतलब हाथी तालाब है ना तो पूरा वर्क मिल जाएगा डैम अच्छा रहा, इसलिए मैंने टच ही नहीं किया, मतलब गंदा नहीं होना चाहिए, अगर थोड़ी बहुत भी कमी हो गई ना वो कहेंगे बेकार है तो दूसरे को बुलाएंगे वो बनाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको भैया ही बनाया अभी, उसके बाद अपन को तो करना ही है ना अरुण, इसलिए मैंने टच ही नहीं किया उसको, तो अभी चलते हैं हम घर और कल आएंगे वही 12 बजे करीबन, और अभी हम आ गए थे कितने बजे यहाँ पे, अपन यहाँ पर हम आ गए थे 1 बजे आ गए थे यहाँ पर, क्यों अरुण 1 बजे आ गए थे ना अपन लोग भैया, 1 बजे आए थे, अभी 6 बज रहे हैं, कल तो पेपर है हम लोगों का, हाँ सबसे बड़ी बात तो यही है हिस्ट्री का पेपर है 11 से है 11:15, हाँ पढ़ा दो तो हम कितने बजे आ जाएं फिर, तुम जब तुम पढ़ोगे हम पढ़ लें भाई साहब से, भैया भी हिस्ट्री अच्छी आती, भैया को हिस्ट्री एक नंबर आती है मतलब बहुत अच्छा पढ़ा दें, हम भी आ जाएं फिर 8 बजे आपके पास, ठीक है हाँ अभी हम पढ़ रहे जाके हैं लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा अभी हम चलते हैं, भाई जॉब एक्ट के संग जॉब भी तो पकड़ा जरूरी है, हाँ जो जरूरी है पकड़ रहे हैं यार, हमने कहा जो टांगले पहले बल्लियों के साथ निकलते हुए हम लोग, ये देखो यहाँ मतलब काम चल रहा है ना पूरा वर्क मिल रहा है इनको अच्छे से, चलते हैं फिर अरुण भैया अपनी लेके आए थे बाइक तो उसी पे चलना है हम लोगों को, ओके तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।